रायबरेली में सलोन जायस मार्ग पर स्थित सई नदी के किनारे परसदेपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के श्रद्धालुओं द्वारा मूर्ति विसर्जन किया गया। सई नदी के किनारे प्रशासन ने विसर्जन के लिए बड़े गड्ढों का इंतजाम किया था। हम आपको बताएं, मूर्ति विसर्जन के लिए परसदेपुर के मुख्य चौराहे से माँ का जयकारा लगाते हुए भक्त डीजे की धुन पर नाचते गाते निकले। डीजे की धुन पर नाचते गाते भक्तों ने साकेत नगर चौराहे होते हुए सई नदी के किनारे पहुंचकर मूर्ति विसर्जन किया। वहीं साकेत नगर चौराहे से भी नाचते गाते मां का जयकारा लगाते हुए भक्त मूर्ति विसर्जन के लिए निकले। भक्त मुख्य चौराहे होते हुए सई नदी तक गए और श्रद्धा से मूर्ति विसर्जित किया। विसर्जन के लिए ले जाते समय रास्ते में श्रद्धालुओं ने माँ का दर्शन कर प्रसाद भी ग्रहण किया। हम आपको बताएं, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में सई नदी के किनारे पहुंचकर श्रद्धालुओं ने मूर्ति विसर्जन किया। शांतिपुर विसर्जन के लिए चौकी प्रभारी सुनील वर्मा भी दल बल के साथ मुस्तैद रहे। नीरज श्रीवास्तव, S7 न्यूज। मूर्ति विसर्जन बड़ा भव्य रहा। 9 दिन से जब से माता आई, पूजा अर्चन बराबर चलता रहा और कल हवन हुई, माँ का विसर्जन हुआ और आज माँ की प्रतिमा का बड़े धूमधाम से नगर में जिस रास्ते से हम लोग भ्रमण शुरू से कर रहे हैं उसी रास्ते से होते हुए शोभा यात्रा के साथ आज माँ की मूर्ति का विसर्जन किया गया। मेन चौराहा परसदेपुर में 9 दिन तक माँ की विधिवत पूजन अर्चन के साथ आरती सुबह और शाम की गई। इसके बाद आज का दिन माता रानी का भव्य विसर्जन डीजे के साथ भक्तगण नाचते गाते झूमते माता के जयकारे लगाते हुए सही पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए मेन चौराहा से जिला बाजार, कटरा बाजार, छाया स्कूल से होते हुए साकेत नगर से सही नदी के तट पर माता रानी का भव्य विसर्जन हुआ।